Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Radical Islam and terrorists. अफगानिस्तान को डिक्टेशन, पाकिस्तान को धमकी और भारत से ताबुन की उम्मीद। रेक्स टिलरसन मुख्तसर दौरे में मखसूस मुतालबात के साथ पूरे खित्ते को अमरीकी सबक पढ़ा रहे हैं। इमरान खान को कानूनी महाज पर पहली शिकस्त हुई है। आयशा गुल अलाई पीटीआई में ना रही लेकिन कौमी असेंबली में रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने पहली दरख्वास्त खारिज की, दूसरी में भी फैसला पीटीआई के हक में आता नजर नहीं आ रहा। पूरी दुनिया पोलियो के खात्मे का दिन मना रही है। इस जंग में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और तेजाब हमले बरतानिया के खूबसूरत चेहरे को झुलसा रहे हैं। नौजवान निशाना है, सख्त कवानीन भी हमले रोक नहीं पा रहे। बोतल में बंद तशद्दुद का हथियार इंतहाई खतरनाक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। चार घंटे वो इस्लामाबाद में कयाम करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुलाकातें कर चुके हैं और मौजूदा हालात में टिलरसन का ये जो दौरा है इसको बहुत अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि अमरीका की नई अफगान पॉलिसी का ऐलान हुआ और उसके बाद पाक अमरीका ताल्लुकात मुसलसल टेंस रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखला अहसन इकबाल का दौरा अमरीका, जिसके बाद इस तनाव में किसी हद तक कुछ कमी ज़रूर आई थी, लेकिन ताल्लुकात मामूल पर अब भी नहीं है। दोनों जानब अभी भी खिंचाव की फिजा मौजूद है और अमरीका पाकिस्तान पर मुसलसल दहशत गर्दों की मावनत और पाकिस्तानी सरजमीन पर शिद्दत पसंदों के महफूज ठिकानों का इल्ज़ाम लगाता रहा है, जबकि पाकिस्तान अफगान पॉलिसी में भारत के किरदार पर नाराज़ है। लिहाजा ये तय है कि टिलरसन के इस दौरे के दौरान भारत के किरदार पर भी ज़रूर बात होगी, फिर दहशत गर्दों की जो महफूज पनाहों से गाँवों से मुतालिक अमरीका की जानब से मुसलसल इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उन पर भी बात होगी। टिलरसन चंद मखसूस मुतालबात के साथ पाकिस्तान आए हैं, जिनका जिक्र उन्होंने दौरे अफगानिस्तान के दौरान किया। ये मखसूस मुतालबात हैं क्या और इससे मुतालिक ज़्यादा आगाह तो नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बताया कि ये तमाम जो मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं, तालिबान को कमज़ोर करने से मुतालिक अमरीकी पॉलिसियों का हिस्सा हैं। इन मुतालबात का जिक्र करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का लहजा बहुत तल्ख था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सदर ट्रंप की जो वार्निंग थी उसको दोहराया और ये वाज़े किया कि पाकिस्तान से ताल्लुकात का इन्हिसार इस बात पर है कि इस्लामाबाद अमरीका से किस हद तक ताबुन करता है। तो ये जो बयान अफगानिस्तान में दिया गया उससे साफ जाहिर ये है कि दौरे पाकिस्तान के दौरान वो क्या लहजा अपनाने वाले हैं। जो भी लहजा होगा, जो गुफ्तगू होगी, वो अब से कुछ देर बाद पता ही चल जाएगी, क्योंकि अभी तो मुलाकातें चल ही रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि दौरे पाकिस्तान के बाद अब रेक्स टिलरसन को भारत जाना है, जहाँ उनसे पहले ही अफगान सदर अशरफ गनी भी पहुँच चुके हैं। मौजूदा हालात में अमरीका, भारत और अफगानिस्तान के अहम रहनुमाओं की मुलाकातें इंतहाई अहम होंगी और अमरीका बड़ी राजदारी से ये तमाम तर काम कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दौरों में अमरीकी वजीर खारजा मीडिया से भी मुखातिब नहीं हुए, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की उन्होंने। इससे ये पता चलता है कि अमरीका पाकिस्तान से अपने मुतालबात मनवाना ज़रूर चाहता है, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे पाकिस्तान या फिर भारत नाराज़ हो। मुख्तसरन अगर इसको ये भी कहा जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों ही अमरीका की मजबूरी बने हुए हैं तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इसके बरक्स अफगान हुकूमत के लिए अगर टिलरसन का रवैया देखें, हाकिमाना सा रवैया ये मालूम होता है जिस तरह की बातें वहाँ पर की गई हैं। अफगानिस्तान का दौरा जब उन्होंने किया तो बगराम एयरबेस पर वो उतरे हैं और अफगान सदर से मुलाकात के लिए सदारती महल जाना चाहिए था, लेकिन वो महल नहीं गए, बल्कि अशरफ गनी और अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला को बगराम एयरबेस बुलवाया गया। तो ये एटीट्यूड अमरीका के लिए तीनों ममालिक की हुकूमतों की जो इम्पोर्टेंस है वो भी सामने ही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे को इन तमाम हालात के अंदर अगर हम देखें तो सूरत हाल जो ख़ास तौर पर मालूम होती है वो ये है कि पाकिस्तान अमरीका को जवाब क्या देने वाला है। इस हवाले से सबसे रीसेंट वज़ीर दाखला अहसन इकबाल का बयान है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में टिलरसन के बयान के बाद ये कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से 90% दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म कर चुका है, पाकिस्तान अपने मौके पर डटा हुआ है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा
ऐसे वक्त में आज पाकिस्तान आए हैं कि आज अक्वामे मुत्तहिदा के अमन मिशन का यौम तासीस है और इस हवाले से पाकिस्तान में खुसूसी तकरीब हुई है जिसमें अमन मिशन में शहीद होने वाले पाकिस्तानी फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया है। तो अब आज जो ये मीटिंग्स हो रही हैं इसके अंदर पाकिस्तान के जो शहीद होने वाले फौजी हैं, जो शहादतें पाकिस्तान में हुई हैं, उन कुर्बानियों का अमरीका एतराफ़ करता है नहीं करता और उसका क्या लहजा रहेगा, हम बात करेंगे। हमें साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। बहुत ही अहम ये दौरा है टिलरसन का और पहुंच तो वो गए लेकिन यहाँ आने से पहले वो अफगानिस्तान गए थे और अफगानिस्तान में उन्होंने जिस तरह का लहजा अपनाया, जिस तरह की बातचीत की है, ट्रंप की जो धमकी थी उसको दोहराया है और ये भी वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं उसका इन्हिसार दहशतगर्दों के ठिकानों के खात्मे पर होगा। तो ये वही रवैया है, ये वही लहजा है जो अफगान नई पॉलिसी के ऐलान के वक्त किया था। अब इस दौरे से, इन मुलाकातों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतने सख्त लेजे के बाद पेशरफ्त होगी कोई? ये टेस्ट है क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और ये कि पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी जो तरजीहात हैं एक हद तक हमेशा मुख्तलिफ रही हैं लेकिन फिर भी बावजूद इसके डिप्लोमेटिकली ये मुमकिन रहा है कि हमने कन्वर्जेंस कुछ एरियाज पे ढूंढी है। अभी कन्वर्जेंस कहाँ है? कन्वर्जेंस यहाँ है कि अमेरिका चाहता है कि उसने पहले तो अभी कोई नहीं बताया कि फौजें उसकी वापस कब जाएंगी। इसका मतलब यह है कि उसका पाकिस्तान पे इन्हिसार बड़ा है। जो उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की अखड़ जबान है वो तो एक तरफ गई, उनका बात करने का तरीका ही ऐसा है चाहे मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन उनकी डिपेंडेंस पाकिस्तान पे बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान की भी डिपेंडेंस बदकिस्मती से कम नहीं होती क्योंकि हम अपने मामलात को सही तरीके से नहीं हैंडल करते, हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं, इकॉनमी के मामलात में ख़ास तौर पे जैसे डिफिसिट बढ़ा है फिर ख़तरे पैदा हो रहे हैं कि हमारा डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, हमारा दारोमदार हो जाएगा फिर उन इदारों पर जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और खास तौर पर IMF जिस पे अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन कसूरी साहब इन तमाम हालात में अब टिलरसन तो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स हैं जिसको लेकर वो आए हैं, ये डिमांड्स हैं क्या? टिलरसन ने तो अभी तक कुछ नहीं बताया, ये मीटिंग्स होंगी इसके बाद ही कोई ऐलामिया आता है तो शायद पता चले, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी डिमांड्स हैं तालिबान को कमज़ोर करने से मुतालिक जो अमरीकी पॉलिसी है उसका हिस्सा हैं। इशारा दिया है टिलरसन ने कि अमरीका अफगानिस्तान में आखिर करना क्या चाहता है, तो एक तरफ तो तालिबान से मुज़ाकरात कहते हैं, डायलॉग कहते हैं, फिर इस तरह की पॉलिसी पड़ेगा और पाकिस्तान की आवाम को खुद कि हमारे मफाद में क्या जी, हमारे मफाद में तो खुद ये है कि इंटरेक्टर्स ना मजबूत हों, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जनरल राहील शरीफ ने इससे पहले और अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके जाने के बाद ये तसलसल जारी रखा है जो उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान से शामिल किया था, बाकी ट्राइबल एरियाज में भी, और अब तो रद्दुल फसाद में तो पाकिस्तान के अंदर भी जहां किसी के ठिकाने होते हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। सही। तो इसलिए कोई अमरीका जो हमें कह रहा है हमें उसको बताना पड़ेगा कि आप हमें कोई नई बात नहीं कर रहे। अगर अमेरिका ये कहता है कि हम आपको कोई इंटेलिजेंस शेयर करते हैं जैसे उन्होंने अब के की थी, कर चुके हैं, ये जो कैनेडियन अमेरिकन कपल था जिसको पाकिस्तानी अफवाज ने बचाया है जाके और जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ये एक अच्छी निशानदेही करती है हमारे ताल्लुकात के सिलसिले में, तो हमें उन्हें बावर कराना पड़ेगा कि अगर आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे तो हम एक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका ये ख्याल है कि अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी जाए तो हम वो अपना हशर नहीं करवाना चाहते। जो पिछले महीने में या 3 हफ्ते में अफगानिस्तान का हशर हो रहा है कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है अपनी नई पॉलिसी का, बदकिस्मती से कभी 40 बंदे कभी 50 उनके निशाना बन जाते हैं तालिबान का या दाइश का, तो हम ये तो नहीं चेक कर सकते ना, या तो पॉइंट आउट करें कि कौन से बंदे हैं जो ये कर रहे हैं, हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लें। ये अगर कह दें कि अब क्वेटे के फलाने इलाके में जाके हम वो काम करें जो वो अमरीका जो अफगानिस्तान में कर रहा है वो तो हम नहीं कर सकते, तो ये हमें उनको बताना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ डिप्लोमेसी के जरिए दोनों को
एक दूसरे को बावर कराना पड़ेगा जी, अगर आप हमें आपकी जरूरत है तो आपको हमारी जरूरत है, ठीक है। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारा जो अपना जो है ना बयानिया या नैरेटिव, वो 4.5 साल गायब रहा है। आपका फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था और गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ उसकी तरजीहात थी, मुख्तलिफ मुश्किलात में फंसी हुई थी और उनका जो मिलिट्री और सिविल एक पेज पे नहीं थे, उसकी भी बहुत भारी कीमत। ये जो गैप था इसका भारत ने तो फायदा उठाया, आप इस बात से तो अग्री करेंगे। इस ये जो दौरा है इसके दौरान भारत के किरदार पर भी बात होगी, जो मफादात अमेरिका के भारत से जुड़े हैं उनकी रोशनी में क्या किसी तरह भी ये मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तानी मौकफ को अहमियत दे, पाकिस्तानी मौकफ को समझे? पाकिस्तान की खातर नहीं, वो अपनी खातर अहमियत देगा। हमारे दौर में भी मसाइल थे और वो भारत के करीब अमरीका होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कश्मीर के मसाइल हमने उठाए थे और हमारे दौर में कश्मीर पे बड़ी सैर हासिल बातचीत हुई थी। अभी भी आज बयान आया है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब का, जिन्होंने ये कहा है कि जी वो बातचीत जो है वो हुर्रियत पसंदों नाम तो नहीं लिया, उनका तमाम से बातचीत होगी। यानी कि उन्होंने एक नया अपॉइंट किया है इंटरलॉक्यूटर जो बातचीत करेंगे वहाँ, और उसमें उन्होंने कहा है कि हुर्रियत से भी अगर जरूरत हुई तो करेंगे। इसका मतलब यह है कि 3 साल के बाद उनको अंदाजा हो रहा है कि कश्मीर में मामलात को जबरदस्ती नहीं दबाया जा सकता। तो हो सकता है इसमें अमेरिका का कोई किरदार हो, उसने उनको कहा हो कि भाई आप जो कश्मीर में कर रहे हैं वो तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और हम पाकिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। यह इन मुमकिनात में है, मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में इन तमाम मामलों को आप टिलरसन का जो दौरा है भारत है उससे कनेक्ट करेंगे। वहां अफगान सदर पहले से ही पहुंच चुके हैं और फिर ये भी इम्कान है कि टिलरसन के दौरे के दौरान अशरफ गनी वहां पर मौजूद हों, तो इन रहनुमाओं की इकट्ठे एक वक्त भारत में मौजूदगी, कोई खास मकसद आपको नजर आता है इसके पीछे? वो दिखाना चाह रहे हैं कि जी उनकी बड़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, उनका आपस में बहुत एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस है। ओ ये हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन इसका अफगानिस्तान को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने मफाद में चाह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, लेकिन अगर भारत का इंटरेस्ट बढ़ेगा ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के मामलात में, अगर भारत कहता है हमने तिजारत करनी है कुछ करें, दुनिया के दूसरे मुल्क भी कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़ा तजुर्बा है पाकिस्तान को कि जब भारत अपना इन्फ्लुएंस अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ बढ़ाएगा, पुलिस की तरफ से या फौज या इंटेलिजेंस, तो वो हमारे खिलाफ यूज़ होता है, चाहे बलूचिस्तान में खिलाफ हमारे यूज़ हो खा वो हमारे खिलाफ फाटा में हो। तो ये हमें अमेरिका को भी बताना पड़ेगा और कि जनाब ये जो है फिर तो हमारी आपके साथ क्या खाक आपके साथ हमारी कोऑपरेशन होगी अगर हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ये अमरीका को समझाया जा सकता है। अमरीका ये तो नहीं है कि आपको आके कहेगा कि जी आप ये करें, चाहे हिंदुस्तान जितनी मर्जी आपके यहाँ गड़बड़ करा रहा है, क्योंकि हमें हम भी तो उनको प्रूफ देंगे ना, कुलभूषण यादव और बहुत कुछ की एक्टिविटीज़ भारत की पाकिस्तान के अंदर है, ऐसे होता नहीं है। वो पब्लिक में बहुत कुछ कह दिया जाता है, मुझे उम्मीद ये है कि जब टिलरसन आएंगे और वो मेरा ख्याल है फौजी क़यादत से भी शायद उनकी मुलाकात हो, मुझे इसका हो रही है पहुंच गए बहरहाल। लेकिन यहाँ पर ये बात भी अहम है कसूरी साहब के ये जो पब्लिक मीटिंग्स का आपने जिक्र किया वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे, भारत में भी जाएंगे तो मीडिया से बात नहीं करेंगे, कोई खास वजह आपको नजर आती है इसकी? अमरीका मोहताद है कि कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे बात तो नहीं, अगर कोई ऐसा बयान ना दें क्योंकि जो बयान थी उसकी कसर प्रेसिडेंट ट्रंप तो नहीं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा कोई सदर होता अब और भी सीरियस हो जाता, क्योंकि ट्रंप का लहजा ही अखड़पन पर मबनी है, अंदरूनी मामलात हों खारजी मामलात, तो कई दफ़ा लोग कहते हैं चलो जी ये शख्स तो बात ही ऐसे करता है, लेकिन अगर वो टिलरसन को गलत बात करेंगे पाकिस्तान की सरजमीन पर तो वो हमारे ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाएंगे और मेरी उम्मीद है कि ऐसी लेकिन कोई पाकिस्तान बात का जो मौकिफ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि मुस्तकिल हमारा जो मौकिफ है वो यही है कि दहशत गर्दों के जो 90% ठिकाने हैं उनको खत्म करने का दावा किया गया है हसन इकबाल की जानिब से, और इंटीरियर मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हमारी जो फोर्सेज की कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ी हैं, अफगान सरहद पर बाढ़ भी लगा रहे हैं, तो अफगान सरहद पर हमारी जानिब से जो कोशिशें हैं वो तो हैं दहशत गर्दों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए, सिर्फ एक चौकी वहाँ पर मौजूद है खारजा था कि हमने 1000 चौकियाँ की हैं और आपने 134 की हैं,
और मुकाबला ही नहीं था उनका और हमारा, तो हमको उनको बताना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान आर्मी ने फैसला किया है कि जो बॉर्डर है उसके ऊपर वो बॉर्डर को फेंस करेंगे, और ये हम उस वक्त भी इनको कहते थे कि बॉर्डर को फेंस किए बगैर कोई रास्ता नहीं है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप फेंस करना, क्या वो तो दीवार बनाना चाहते हैं मैक्सिको के दरमियान, और वहाँ से दहशतगर्द नहीं आते, बकौल उनके गलत किस्म के लोग आ जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, या कुछ ड्रग पेडलर्स आते हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा खतरा है अफगानिस्तान में। आर्मी पब्लिक स्कूल आपने देख लिया वहाँ क्या हुआ, हमारे बहुत से हस्पतालों पे, हमारी मिलिट्री सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स पे, हम तो हम हक बजाने में हैं, और हम बता सकते हैं टिलरसन को प्राइवेटली और पब्लिकली दोनों। मैं फॉरेन मिनिस्टर होता तो मैं कहता कि जनाब हम तो अफगानिस्तान या अमेरिका से पैसे भी नहीं मांग रहे, क्योंकि अमेरिका तो के सदर तो कह रहे थे ना मेक्सिको के आप पैसे दें, दीवार हम बना रहे हैं, हम तो अपने खर्चे पे बना रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा हमारे हमरा मौजूद। और अमरीकी वजीर खारजा का ये दौरा है बहुत अहमियत का हामिल, अफगानिस्तान जा चुके हैं, पाकिस्तान आ चुके हैं, और इसके बाद उनको जाना है भारत। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम स्टोरीज पर बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। आज पूरी दुनिया पोलियो के खिलाफ आलमी दिन मना रही है, तो हम फख्र से ये कह सकते हैं कि हम पोलियो के खिलाफ जंग जीत रहे हैं, क्योंकि इस साल पोलियो के जो केसेस हैं उनकी तादाद में मजीद कमी हुई है। लेकिन ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ करना है पोलियो के ख़िलाफ़। ये जंग हम पिछली कई दहाइयों से लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें तेज़ी 2014 में आई थी जब पोलियो वायरस ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया था। तब से लेकर अब तक पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान को कितनी कामयाबी मिली है और क्या कुछ किया गया है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो साल जब 306 पाकिस्तानी बच्चे पोलियो का शिकार हुए और हमेशा के लिए माजूर हो गए। ये पाकिस्तान में पिछले सालों के दौरान पोलियो केसेस की सबसे बड़ी तादाद थी, जिसने पोलियो से पाक पाकिस्तान के ख्वाब को बड़ा झटका दिया। हुकूमत हिल कर रह गई, आलमी बिरादरी चीख उठी, पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगा दी गयी, पाकिस्तानियों को सफर करने के लिए पोलियो सर्टिफिकेट रखना लाजमी हो गया। ऐसे हालात में हुकूमत ने अहम इकदाम उठाए, मुल्क भर में इंसदादे पोलियो इमरजेंसी लगा दी गई, जिसके फौरी नतायज भी नजर आए। 2015 में पोलियो केसेस की तादाद में 80% कमी देखी गई और पोलियो के 54 केसेस रिपोर्ट हुए। 2016 में ये तादाद 20 हो गई, और अब 2017 के 10 माह गुजर चुके हैं और सिर्फ 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इन आदादो शुमार से साफ है कि पाकिस्तान ने पोलियो पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। पोलियो पर काबू तो पाया गया है, लेकिन इसका जो मुकम्मल खात्मा है, जिसका हम ख्वाब देख रहे हैं, वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम आज भी उन 3 ममालिक में से एक हैं जहां अब तक पोलियो वायरस मौजूद है, और एक बड़ी वजह अफगानिस्तान से मुसलसल इस वायरस का कियामत भी तसव्वुर किया जाता है। पोलियो के खात्मे के लिए कायम नेशनल टास्क फोर्स ये बताती है कि अफगानिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और इल्ज़ामात इम्पोर्ट नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि पोलियो वायरस भी आ रहा है। इसीलिए अब अफगानिस्तान से आने वाले बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करने पर बात हो रही है। इसके अलावा पोलियो से मुतालिक पाकिस्तान में हॉटस्पॉट्स की भी निशानदेही की गई है। कराची है, पेशावर है, क्वेटा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुसलसल पोलियो के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इस साल रावलपिंडी, इस्लामाबाद में एक भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन खतरा मौजूद है। फिर शऊर और आगाही की कमी, इसको भी पोलियो के खात्मे के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट करार दिया जाता है। लोग जानबूझकर अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाते हैं। पोलियो प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इंसदादे पोलियो मुहिम 2016 के दौरान मुल्क भर में 46,967 वालदैन ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया, और ये पहली बार नहीं हुआ, हर साल होता आ रहा है। मुसलसल ये आदादो शुमार सामने आते हैं, और पोलियो खतरे पिलाने से इनकार करने वालों में पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी शामिल हैं। इस हवाले से हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि 2015 में सिर्फ पेशावर से पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार पर 471 ऐसे वालदैन थे जिनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। 2016 में ये फैसला हुआ कि जो भी वालदैन हैं अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार करेंगे, उनकी तस्वीर ली जाएंगी।
लेकिन इन तमाम तर इकदाम के बावजूद अब भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने को तैयार नहीं हैं। इसी अहम मसले पर आज इंसदाद पोलियो मुहिम की सफ़ीर आसफा भुट्टो जरदारी ने भी एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में वो क्या पैगाम दे रही हैं, ज़रा सुनिए। अपने मुस्तकबिल को अपाहिज होने से बचाइए, बहुत ही पावरफुल मैसेज बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। तो ये तमाम मसाइल बड़े संगीन हैं और इनका हल क्या होना चाहिए, हुकूमत इस सिलसिले में सोच क्या रही है। हम अब भी उन ममालिक में शामिल हैं जहां पोलियो मौजूद है, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस पर हम बात करेंगे। हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं आयशा रज़ा फारूकी साहिबा, सेनेटर हैं, वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर आयशा साहिबा आपका। ये कहिएगा कि आज तो पूरी दुनिया ही पोलियो का जो खात्मा है उसका दिन मना रही है। हम फ़ख्र से कह रहे हैं कि पोलियो पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसका खात्मा हम नहीं कर सके हैं। वो तीन ममालिक जहाँ पोलियो वायरस मौजूद है उनमें हम शामिल हैं। आप क्या समझती हैं, क्यों खात्मा नहीं हो पा रहा है, रुकावटें क्या हैं और किस तरह से दूर की जा सकती हैं? देखिए, जब हम पोलियो का जायज़ा लें तो उसमें ज़रूरी होगा कि हम पिछले कुछ सालों में जाकर देखें कि पाकिस्तान में पोलियो की क्या सिचुएशन थी। आपको याद होगा जब हमने 2014 ख़त्म किया तो उसके इख्तिताम पे पाकिस्तान ने 306 केसेस पोलियो के रिपोर्ट किए, जो कि पाकिस्तान की पोलियो एरेडिकेशन हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा केसेस थे। हमने फिर प्रोग्राम को रीइन्विग्रेट किया, चेंज किया, बहुत से हम लोग इम्प्रूवमेंट्स लेके आए, हमने एक मजबूत हिकमत अमली बनाई और उसकी वजह से फिर हमने 306 से हम लोग 54 केसेस पर आए। पिछले साल सिर्फ 20 केसेस रिपोर्ट हुए थे और आज मैं बड़े फ़ख्र से ये रिपोर्ट करना चाहूँगी कि सिर्फ 5 केसेस अभी 2017 में सामने आए हैं, जो कि पिछले साल इसी वक्त के कंपैरिजन में 18 केसेस थे। तो ये 72% कमी है पिछले साल के कंपैरिजन में ही में। तो यकीनन बहुत कमी आई है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जब तक पोलियो वायरस मुल्क के किसी हिस्से में भी मौजूद है तब तक कोई भी 5 साल से कम बच्चा सेफ नहीं। लिहाजा हम जब पोलियो की मुहिम चलाते हैं तो उसमें हम हर 5 साल के बच्चे को टारगेट करते हैं ताकि हम उसकी कुव्वत मुदाफ़त जो है उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकें, ताकि अगर वायरस कहीं उसके इर्द गिर्द फैला भी हुआ है तो उसको अटैक ना कर पाए। बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त को तो आप बेहतर बना रहे हैं, लेकिन एक आम तासुर ये पाया जाता है कि पोलियो के खात्मे में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो आगाही है, शऊर है। नेशनल पोलियो एमरजेंसी सेंटर की जो हालिया रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि अफगानिस्तान से इस वायरस मुसलसल आमद है, पाकिस्तान में पोलियो की मौजूदगी की बड़ी वजह यही बताई गई है। तो तआवुन के लिए दोनों ममालिक में टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप्स भी बनाए गए थे, वो क्या कर रहे हैं, कितनी कामयाबी मिली है इसके जरिए? पोलियो के प्रोग्राम, पोलियो की मुहिम के रिमेनिंग चैलेंजेस की, तो उनमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान चूंकि एक सिंगल एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक माना जाता है, हमारे टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप्स और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी यही राय है, तो हम दोनों को मिलकर काम करना है। और इसके अंदर हम नेशनल लेवल पर भी, रीजनल लेवल के ऊपर भी अपने दूसरे अफगानिस्तान के प्रोग्राम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, हम प्रोग्राम अपने जो कैंपेन्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करके चलते हैं। 10 साल से कम बच्चे जो हैं वो बॉर्डर जो क्रॉस कर रहे हैं हम उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, और अभी हाल ही में हमने जो सदर्न कॉरिडोर एक्शन प्लान एक बनाया है जो कि हमारा क्वेटा ब्लॉक और सदर्न अफगानिस्तान की टीमों ने मिलकर बैठकर बनाया है, जिसके तहत हम बेहतर तरीके से इंश्योर कर पाएंगे जो वायरस जो है वो दो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ना जा सके। और आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के साथ हम एक इतना लंबा पोरस बॉर्डर शेयर करते हैं और हज़ारों लोगों की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी यहाँ पर होती है, इसलिए लाजमी है कि हम हर 10 साल से कम बच्चे को जो बॉर्डर क्रॉस करता है उसको पोलियो के कतरे पिलाएं। बल्कि ये जो हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, ये सिर्फ अफगानिस्तान से पाकिस्तान क्रॉस ओवर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं कर रही, बल्कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान में भी नकल मकानी करने वाले लोगों की फैमिलीज की तादाद हजारों में है। तो और ये प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है आयशा साहब, बाहर उनसे निमटना इतना आसान काम है नहीं, लेकिन बीमारी एक तरफ जो टास्क है उससे आप निमट रहे हैं, दूसरी तरफ जो आगाही और शऊर की से पहले भी मैंने बात की थी, अफवाहें बड़ी गर्दिश करती हैं, उनसे कैसे टैकल किया जाए? वालदैन ये समझते हैं कि अगर पोलियो की वैक्सीन एक दफ़ा पिला दें तो वो काफ़ी है, बार बार पिलाने से नुकसान हो सकता है,
तो ये जो अफवाहें होती हैं इनसे आप कैसे निमटने की कोशिश कर रही हैं कि उनको ये किसी तरीके से ये बावर कराया जा सके कि अगर बार बार बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों ने पीडियाट्रिशियंस डॉक्टर्स जो हैं अगर आप उनसे बात करें, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, इसको बार बार पिलाने से नुकसान कतई नहीं है, बल्कि जब तक, जैसा कि मैंने आपको कहा, पोलियो का वायरस मुल्क के किसी भी हिस्से में मौजूद है, हमारे 5 साल से कम बच्चे सेफ़ नहीं हैं, और उनको तब तक ही हम उनकी इम्यूनिटी लेवल को इस लेवल पे ला सकते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग तभी बना सकते हैं जब तक हर मुहिम में वो ये 2 कतरे रिपीटेडली ना पिए। सो इसलिए मेरी आपकी प्रोग्राम के थ्रू इल्तिजा होगी सारे वालिदैन से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि प्लीज़ ना सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, लेकिन एक कम्युनिटी में आपके जो इर्द गिर्द बच्चे रह रहे हैं, जो बच्चे आपके बच्चों का स्कूल जाते हैं, उनकी खातिर आपको अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना लाजमी है, नहायत ज़रूरी है। ये हमारा एक जिम्मेदारी है, ना सिर्फ वालिदैन होकर बल्कि पाकिस्तान के एक शहरी हो के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के लिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ अपने बच्चे को लेकिन अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल के हर बच्चे को इस मूजी मरज से बचा कर जिम्मेदारी अदा करनी होगी इस संजीदा मसले से निपटने के लिए। क्या हम कोई इंटरनेशनल मॉडल फॉलो कर रहे हैं? अगर किसी और कंट्री की मिसाल हम लें, फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया, मुकम्मल तौर पर वायरस का खात्मा किया गया लेकिन फिर पोलियो की वापसी हो गई, तो इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान में इतनी कोशिशों के बाद पोलियो खत्म भी हो जाता है तो ये मर्ज वापस नहीं आएगा? इस हवाले से काम किया जा रहा है। नाइजीरिया की एग्जांपल को देखते ही सामने दरपेश रखते हुए पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ने अपने सर्विलेंस नेटवर्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि जब पोलियो के केसेस इस हद तक कम हो जाएं, केस टू इन्फेक्शन रेशियो इस कदर ड्रॉप कर जाए, तब आपको पूरे मुल्क में सिर्फ 5 केसेस पोलियो के इस वक्त नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि आज हमने अपने सर्विलेंस नेटवर्क को एक्सपैंड किया है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोलियो सर्विलेंस फुटप्रिंट अब पाकिस्तान में मौजूद है। हमने 53 इन्वायरमेंटल सर्विलेंस साइट्स बनाई हैं जो कि सीवरेज के सैंपल्स लेती हैं हमारे हाई रिस्क का एरियाज़ में, ताकि हम ये जांच सकें कि ये वायरस कहीं सीवरेज सैंपल में सर्कुलेट तो नहीं कर रहा, और जब ये पाया जाता है तो फिर हमारी एक हिकमत अमली उसके बारे में बनाई जाती है, वहाँ पर केस रिस्पॉन्स होता है। सेनेटर आयशा रज़ा फारूकी, वज़ीर आज़म फोकल पर्सन पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम, हमारे हमराह थी। और पोलियो एक ऐसा मसला है, एक ऐसा संगीन मसला है कि जिससे निपटने के लिए हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे और कुछ बात करते हैं एसिड अटैक्स की। कराची दुनिया का 5वां बड़ा शहर है और इस बड़ी आबादी वाले शहर के मसाइल भी बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी का पहिया मुसलसल चलता रहता है। हाल ही में गैर मुल्की सर्वे में ख़वातीन के लिए कराची को दुनिया का एक गैर महफूज शहर बताया गया था, और रोशनियों के शहर के कई रोशन पहलू छोड़कर एक तारीख पहलू उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि कराची को ख़वातीन के लिए गैर महफूज बनाने वाली थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन ने लंदन को ख़वातीन के लिए दुनिया में सबसे महफूज शहर के तौर पर पेश किया। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है जो इंतहाई खूबसूरत लफ्ज़ों में पेश किया गया है, और तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो आपको बताते हैं जो कि इंतहाई भयानक है। ख़वातीन के लिए बेशक लंदन महफूज हो, लेकिन मर्द हज़रात के लिए लंदन इंतहाई गैर महफूज हो गया है। लूट मार के वाक़ियात हैं, दीगर वाक़ियात तो थे ही, मर्दों पर तेज़ाब फेंकने की वारदातें ख़तरनाक हद तक बढ़ी हैं। ईस्ट लंदन का ये इलाका है जहां पर तेज़ाब से झुलसने वाला बरतानिया का जो असली चेहरा है वो आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। लंदन में तेजाब गर्दी के बढ़ते वाकयात पुलिस के लिए चैलेंज बन गए। बोतल में बंद तशद्दुद का यह हथियार इंतहाई खतरनाक है, जिसके असरात चेहरे और जिस्म पर ही नहीं वजूद को भी झुलसा देते हैं। 3 वर्षों के दौरान ईस्ट लंदन में लड़कों पर तेजाब फेंकने के 881 वाकयात हुए, सबसे ज्यादा 76 वाकयात टावर हैमलेट्स में हुए। जबकि न्यू हैम में 26 और बार्किंग डेंगम में 29 नौजवानों पर तेजाब फेंका गया। पुलिस भी सूरत हाल से काफी परेशान है, क्योंकि ना ये जराइम कंट्रोल में आ रहे हैं और ना ही मुलजिमान। ईस्ट लंदन में तेजाब गर्दी के इन बढ़ते वाकयात ने इंतजामिया को हिलाकर रख दिया है। सूरत हाल काफी अलार्मिंग है। तेजाब वो हथियार है जिसे आसानी से छुपाया जा सकता है, लेकिन इसके असरात किसी सूरत नहीं छुप सकते।
जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी ईस्ट लंदन की। सूरत हाल ये वाजे करी कि तेजाब के जो विक्टिम है वो सिर्फ थर्ड वर्ल्ड ही नहीं होती, जो डेवलप वर्ल्ड है वो भी इसका बुरी तरह से मुकाबला कर रही है। लेकिन यहाँ पर जराइम पर सख्त सजाएं दी जाती हैं, कानून मौजूद है, उसके बावजूद इस तरह के जो हमले हैं वो डेवलप वर्ल्ड को परेशान कर रहे हैं। इस घनौने जुर्म को रोकने के लिए कोशिशें बहुत की जा रही हैं कि किसी तरीके से इंसानियत को तहफ़ पहुँचाया जा सके। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। करने पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त